नमोस् आचार्य श्री सविता संजय चवडे अन जिला महाराष्ट्र पूछना चाहती हैं कि वादीराज मुनिराज ने एक ही भाव में कौन से तीर्थंकर की स्तुति की है वादीराज मुनिराज ने एक ही भाव स्त्रोत में पारसनाथ भगवान की स्तुति की है और बहुत सुंदर स्तुति की है इस स्तुति को पढ़ने से हमें पारसनाथ भगवान के प्रति असीम भक्ति पैदा होती है एक ही भाव ऐसा शब्द बोलने से लगता नहीं कि पारसनाथ की स्तुति है क्योंकि जो भी स्त्रोत हैं उसका जो पहला जो शब्द है काव्य का वह उससे प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है जैसे आदिनाथ की स्तुति है पर उसे भक्तांबर स्त्रोत कहते हैं क्योंकि भक्तांबर जो पहला शब्द है काव्य का उससे वह प्रसिद्धि को प्राप्त है इसी प्रकार कल्याण मंदिर भी पारसनाथ भगवान का स्त्रोत है और उसमें कल्याण मंदिर पहला शब्द है तो उसके नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है तो ऐसे ही यह पारसनाथ स्त्रोत है लेकिन वो एक ही भाव जो शब्द है वो पहला शब्द होने के कारण हमें पता नहीं चल पाता है इसमें पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान ने इतनी बढ़िया उपमाएँ देकर के भक्ति की है अद्भुत उपमाएं दी हैं आपको पढ़ना चाहिए इसका अर्थ भी समझना चाहिए नमोस्तु आचार्य श्री दिनेश चंद अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कोई औप सम्यक छायो सम्यक जीव यदि सम्यकत्व से गिर कर मिथ्यात्म में आ जाए तो पुनः उसे कौन सा सम्यक कैसे और कब प्राप्त होगा अनादि दृष्टि प्रथम बार यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वो प्रथमो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और उसके बाद दो आचार्यों की मान्यता है एक किया है कि वह नियम से मिथ्यात् प्राप्त होता है और पल्ल की असंख्यात्व भाग बीत जाने के बाद पुनः वह सम्यक को प्राप्त होता है और उसके बाद यदि पुनः प्रारंभ करेगा तो वो भी प्रथमों समय होगा क्योंकि इतने समय बाद उसकी जो सम्यक आदि प्रगति है उनकी उद्वेलना हो जाएगी और दूसरे आचार्य की मान्यता है कि नहीं वह सम्यक दर्शन में जा सकता है प्रथमों से सम्यक के बाद और वह यदि मिथ्यात्म में आता है तो मिथ्यात्म में आने के बाद वह पुनः चढ़ता है तो प्रथम सम हो सकता है अन्यथा वह छोशम सम दर्शन में डायरेक्ट जा सकता है छोशम सम दर्शन के बाद ही वह क्षय सम्य दर्शन कर सकता है तो इस प्रकार से यह आगम में सम्य दर्शन की प्राप्त करने की व्यवस्था है नमोस्तु आचर्षी कुलभूषण वेनाली महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं विदेश क्षेत्र में चार वर्ण है ऐसा उत्तर पुराण में आया है तो वे कौन कौन से हैं वर्ण तो चार ही होते हैं छत्री ब्राह्मण वैश्य और शुद्र कर्म भूमि है विधेय क्षेत्र भी और सभी मोक्ष जाते हैं ऐसा नहीं है कि जितने लोग वहाँ जन्म लेते हैं सब मोक्ष ही चले जाते हैं तो वहाँ भी राजा महाराजा होते हैं जो अपने देश की समाज की रक्षा करते हैं क्षत्रिय होते हैं वहाँ भी ब्राह्मण होते हैं जो ब्रह्म की उपासना करते हैं ब्रह्म मतलब आत्मा की उपासना करने वाले जो व्रती लोग होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं और वहाँ भी लेन देन करने वाले व्यापारी होते हैं तो वैश्य भी होते हैं और सेवक भी होते हैं तो सेवक ही शूद्र कहलाते हैं तो इस प्रकार से चारों वर्ण जो हैं कर्म भूमि में पाए जाते हैं भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र में भी चार वर्ण होते हैं और विदेह क्षेत्र में भी चार वर्ण पाए जाते हैं जहाँ भी कर्म भूमि होगी वहाँ चार वर्ण होंगे जहाँ पर मनुष्य पाए जाते हैं भोग भूमि में ये व्यवस्था नहीं होती नमोस्तु आचार्य श्री वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं पंचकल्याणक में प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र दिया जाता है लेकिन कहीं इस मंत्र का नाम सूर्य मंत्र दिया है इनमें से कौन सा ठीक है सूर्य मंत्र और सूर्य मंत्र सूर्य का मतलब होता है आचार, आचार मंत्र जो वहाँ पर आचार्य हैं अर्थात जो प्रतिष्ठाचार हैं उनके द्वारा जो प्रतिमा के लिए मंत्र दिया जाता है वो सूर्य मंत्र कहलाता है एक अर्थ इसका ये लेना जो सूर्य का अर्थ सूर्य भी होता है उसे सूर्य मंत्र भी कहते हैं और सूर्य का अर्थ सूर्य भी होता है सूर्य मतलब प्रकाश जो प्रकाश जो वस्तुओं का उद्घाटन करता है उद्घाटित करता है तो उसे केवल ज्ञान भी कहते हैं तो केवल ज्ञान मंत्र जो केवल ज्ञान मंत्र है उसी को सूर्य मंत्र कहते हैं उसी को सूर्य मंत्र कहते हैं जब उनको केवल ज्ञान होना होता है उस समय जो मंत्र कान आदि में बोले जाते हैं वो सूर्य मंत्र और सूर्य मंत्र दोनों ही एक कहलाते हैं चारों को भी शूरमंत्र देने का अधिकार प्रतिष्ठा आदि ग्रंथ में प्राप्त है और का आदि भी आपको बताएं लाखों प्रतिमाओं का पंचकल्याणक भट्टारकों ने भी कराया है और ऐसी कितनी प्रतिमाएं हैं जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठाएं जो हैं प्रतिष्ठाचार कराते हैं गृहस्थाचार कराते हैं ये तो अभी की व्यवस्था है कि मुनिगण होते हैं हम उनको अभिवादन करते हैं और ने नमोस्तु करके उनको पंच कल्याण लाते हैं और उनसे प्रतिष्ठाएं कराते हैं अन्यथा जो प्रतिष्ठाचार है पांचों कल्याण को संपन्न कराने वाला वो भी विधि विधान से अपना अंकन्यास करते हुए शुद्धिकरण करते हुए प्रतिमाओं में शूर मंत्र अर्थात केवल ज्ञान मंत्र आदि भी दे सकता है नमोस्तु आचार्य श्री विशाल जैन बड़ोस से अपनी शंका रख रहे हैं कि हम टीवी आदि देखकर प्रतिमा दान दे देते हैं तो उसका कहीं तेरह पंतावनाओं से अभिषेक होता है कहीं बीस पंतावनाओं के से अभिषेक होता है तो अगर हमारा बीस पंतावनाओं से त्याग हो तो इसमें क्या हमें दोष लगेगा तेरह और बीस इस प्रकार के जो ये पंथ हैं पहली बात तो ये पंथ पंथ नहीं है जो धार्मिक परंपराएं हैं वो आर्ष परंपराएं हैं ये तेरह पंथ आदि दो सौ वर्ष पुराना उद्भव हुआ इसका और इस प्रकार से यह है हमारे समाज में ये विकृति इस प्रकार से डाली गई कि हम दो फाड़ में हो गए हैं छोटे छोटे से मतभेदों को लेकर के भगवान की सिर्फ भक्ति को लेकर के हम मतभेद हो गए हमें ऐसी क्रिया करना है तो हम इस पंथ के हो गए हमको ऐसी क्रिया करना तो हमको इस पंथ के हो गए और अब आप आपको ये भी विकल्प होने लगा कि हम यदि प्रतिमा दान देते हैं तो ये तेरह पंथ वाले में रहेगा या बीस पंथ वाले में रहेगा भैया आप स्वयं विचार कर लें यदि आपको इतने ही विकल्प हैं जहाँ दे रहे हैं वहाँ पहले पूछ लीजिए कि भैया तेरह पंत से आमना से होगा तो हम देते हैं या फिर हम बीस पंथ आमना से होगा तो हम दान देंगे अब आप ऐसा पूछ कर ही अपना कार्य कर लीजिए क्योंकि आपको इतना ज़्यादा विकल्प है अन्यथा भगवान की भक्ति जो जैसे करना चाहे करने दो जल से दूध से जैसा करने करने दो आपका काम था आपकी भक्ति थी जिनाल में भगवान की प्रतिमा विराजमान हो जाए बस वो आप ऐसे भाव रखें और प्रतिमा दान कर दीजिए यदि तो आपको ज़्यादा ही विकल्प है ज़्यादा जा, ही कट्टरपंथी है ज़्यादा ही हटाग्रता मन में भर रखी है ज़्यादा ही एकांत पक्ष मिथ्यात्व पक्ष अंदर भरा हुआ है तो फिर आप उनसे बोल लीजिए भैया कि हम प्रतिमा दे रहे हैं इसमें बीस पंती का नहीं होगा या तेरह पंती का नहीं होगा तो आप ऐसे बोल के दे दो फिर क्योंकि आपके अंदर तो ऐसे भाव हैं लेकिन ये ऐसे भाव भी हैं तो ये भाव अच्छे नहीं हैं ये भाव आपके लिए कहीं ना कहीं हटाकर तक के भाव हैं आप बिल्कुल सहज और सरल बनकर के धर्म ध्यान और दान पुण्य कीजिए सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र धारा संघ का समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी राशि एक दिन के लिए इक्कीस सौ रुपए और एक महीने के लिए ग्यारह हजार रुपये की राशि रखी गई है आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा जय जिनेन्द्र